So good morning students, today on 1st August 2020 we are going to discuss about 7th chapter, the remaining portion of exercise 7.1. We have discussed 17 questions of exercise 7.1, so from today we are going to start question number 18. 18 question is sin theta 1 plus tan theta plus cos theta bracket 1 plus cot theta, और आपको राइट हैंड साइड में इक्वल प्रूव करना है, cosec theta plus sec theta, cosec theta plus sec theta. सो कैसे करेंगे क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एलसीएम भी नहीं ले सकते लेफ्ट हैंड साइड में, रैशनलाइज भी नहीं कर सकते, एलजेब्रिक आइडेंटिटी भी नहीं है कोई, सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लेते हैं, कॉमन भी नहीं कुछ आ रहा, सो क्या करें, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प लेते हैं. क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं, एलएचएस साइन थीटा 1 प्लस टेन थीटा के प्लेस पे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोट थीटा के प्लेस पे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा. अब देखिए आपके पास ये वाला ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों में एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो? यस. साइन थीटा 1 के अपॉन में 1, 1 के अपॉन में 1, 1 और कोस थीटा का एलसीएम क्या आएगा? सेम कोस थीटा, कोस थीटा डिवाइड बाय 1, कोस थीटा उसको मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर पार्ट से, कोस थीटा कोस बाय कोस 1, 1 मल्टीप्लाई साइन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, एलसीएम क्या आ गया? साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा, साइन बाय साइन 1, 1 इंटू कोस कोस थीटा, कोस प्लस साइन कोस प्लस साइन, साइन प्लस कोस या कोस प्लस साइन एक ही बार है, दोनों प्लस में है, कॉमन ले लो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कॉमन ले लिया ब्रैकेट में, साइन प्लस कोस तो कॉमन आएगा, रिमेनिंग साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस प्लस यहां पे क्या बच जाएगा? कोस अपॉन साइन, बिकॉज साइन प्लस कोस तो क्या है, बाहर कॉमन आ गया. अब यहां पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये ब्रैकेट सेम है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, एलसीएम लो, साइन एंड कोस का एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा, देन एलसीएम डिवाइड बाय कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करोगे बचेगा क्या? साइन थीटा, न्यूमरेटर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आगे कोस स्क्वायर थीटा, वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1. आफ्टर दैट साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू 1 अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, 1 को मल्टीप्लाई करोगे सेम ही नंबर आएगा, अपॉन में क्या है? साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इट मींस साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड में क्या आ गया? साइन थीटा कोस थीटा. अब अलग अलग करके डिवाइड कर लेते हैं, साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो गया 1 बच गया, कोस से कोस कैंसिल हो गया 1 बच गया, 1 अपॉन कोस 1 अपॉन साइन एंड 1 अपॉन कोस इज सेक थीटा, 1 अपॉन साइन इज कोसेक थीटा इक्वल्स टू आरएचएस राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव कर लिया. सो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे किया? क्वेश्चन को साइन थीटा कोस थीटा में चेंज करके, इजी है. देन 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करेंगे? देखो साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा
इक्वल में क्या प्रूव करना है, सेक थीटा। देखो कुछ भी करने से पहले एक स्टेप आगे का सोच के चलो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन के अंदर क्या करें, एलसीएम नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, रैशनलाइज नहीं कर सकते, नहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी कुछ नहीं दिख रही, कुछ कॉमन अगर ले हम या साइन कोस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि 10 है तो या तो इसे साइन अपॉन कोस लिख सकते हैं या फिर कुछ कॉमन देख लो, सब में नहीं आ रहा होगा कॉमन, कुछ कहीं पर कॉमन देखो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में अगर हम कोस थीटा कॉमन लेते हैं, देखो आगे हेल्प क्या मिलती है कॉमन लेने से, ये देखो कोस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कोस क्यूब में से कोस थीटा कॉमन लिया तो बच जाएगा कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन होता है, इट मीन्स हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो हम कोस कॉमन ले लेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से कोस थीटा कॉमन ले लिया, पहले दोनों को पास में लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा, कोस क्यूब थीटा को पहले लिख लेते हैं, टेन थीटा साइन थीटा, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कोस थीटा, कोस थीटा कॉमन लिया देन ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा, अब साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू तो वन होगी, रिमेनिंग क्या रहा, कोस थीटा, अब टेन थीटा को चेंज कर लिया मैंने साइन अपॉन कोस क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, साइन थीटा कोस थीटा साइन इंटू साइन ए डिजिट मल्टीप्लाई बाय इट सेल्फ स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या कोस स्क्वायर कोस थीटा, अब डिफरेंट डिनोमिनेटर है एलसीएम ले लेंगे, वन और कोस का एलसीएम क्या आ जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाय वन वी गेट कोस थीटा कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू वन, वन अपॉन में क्या है कोस थीटा और वन अपॉन कोस थीटा को क्या राइट कर सकते हैं सेक थीटा है, ईजी है क्वेश्चन, तो सॉल्व कैसे किया, कॉमन लेके फिर साइन कोस में चेंज करके, सबसे पहले भी साइन कोस में चेंज कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे, एक दो स्टेप आगे का सोच के चलो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो आगे क्या हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 वो आपका सेम क्वेश्चन है 17 जैसा, उसी की हेल्प से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये सब क्वेश्चन आपने 9th में किए हैं, आपकी फेयर नोटबुक में भी सॉल्व होंगे ये क्वेश्चन, बट वापिस से रिकॉल कर लेते हैं। कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल्स में प्रूव करना आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को ऑब्जर्व करके आप देखिए, या तो हम साइन कोस में चेंज कर सकते हैं, होल पावर भी है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ब्रैकेट तो ओपन करना ही पड़ेगा, मीन्स होल स्क्वायर तो ओपन करना ही पड़ेगा, तो फर्स्टली स्टार्ट ही वहीं से करेंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। हाँ जी, साइन का स्क्वायर क्या होगा, फर्स्ट डिजिट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, देन कोसेक का स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर ए, प्लस टू के साथ दोनों का मल्टीप्लाई, टू साइन ए इंटू कोसेक ए, प्लस कोस का स्क्वायर कोस स्क्वायर ए, सेक का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, और दो के साथ टू के साथ दोनों का मल्टीप्लाई टू ए बी। देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन, साइन इंटू कोसेक वन, वन इंटू टू टू, कोस इंटू सेक वन, वन इंटू टू टू, रिमेनिंग क्या रहा कोसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए, टू प्लस टू फोर, फोर प्लस वन फाइव। देखो कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, बट आपको क्या चाहिए टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए, फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू आर एच एस हैंस हो गया। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया, होल स्क्वायर ओपन करके, होल स्क्वायर ओपन करके बाद में आइडेंटिटी लगा ली, इजी है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, आया भी हुआ है पहले काफ़ी बार क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन,
साइन पावर 8 थीटा माइनस कोस पावर 8 थीटा। इक्वल्स में प्रूव क्या करना आपको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही प्रूव करना है। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे, साइन पावर 8 थीटा माइनस कोस पावर 8 थीटा। साइन कोस में पहले से एलसीएम ले नहीं सकते, रैशनलाइज कर नहीं सकते, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी नहीं लगा सकते कोई, तो एलजेब्रिक आइडेंटिटी पे आपको फोकस करना पड़ेगा। साइन पावर 8 थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर, बिकॉज ए पावर एम पावर एन, ए पावर एम इंटू एन मीन्स 4 × 8, तो 8 को 4 पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसी कोस में कोस पावर 4 थीटा होल पावर 2। अब अगर आप ब्रैकेट को ऑब्जर्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या आइडेंटिटी लग जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो देखो पहले मैं ए प्लस बी लिख रहा हूँ, साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, ए प्लस बी हो गया, ए आपका फर्स्ट ब्रैकेट बी आपका सेकेंड ब्रैकेट, ए माइनस बी कोस पावर, क्लियर है। अब एक बार इसे रहने दो, ये वाला जो क्वेश्चन है साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, ये आपने 12 क्वेश्चन में इसे प्रूव किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आप 12th क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हो। इस चीज़ से ये चीज़ बनाना, तब वहाँ से देख लेना। अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस आ गया, माइनस में फिर वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ये आपको आंसर में चाहिए, ये आपको आंसर में चाहिए, यही प्रूव करना था, कर दिया हैंस प्रूव। मीन्स आपने स्टार्ट कहाँ से किया क्वेश्चन को, एलजेब्रिक आइडेंटिटी से, क्यों, एलसीएम नहीं लग रहा था, रैशनलाइज नहीं हो रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं आ रही थी, तो फिर हम क्या करें, एलजेब्रिक आइडेंटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन, इजी है, रैशनलाइज करना है, रूट के अंदर आ गया क्वेश्चन नंबर 23, sec थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय sec थीटा माइनस 1, रूट के अंदर ही रैशनलाइज कर देंगे sec थीटा प्लस 1 से, sec थीटा प्लस 1 से, माइनस का साइन है, साइन चेंज करके प्लस से रैशनलाइज कर दिया। ऊपर तो देखो ए डिजिट मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, होल स्क्वायर बनेगा, ना कि sec का स्क्वायर ना ही 1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर बनेगा अपॉन में a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन sec थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा, राइट कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व कर लो, दोनों की पावर सेम है, ए की पावर बना सकते हैं sec थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट sec थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है आपको, cot थीटा प्लस cosec थीटा, sin cos में चेंज कर लेंगे, sec थीटा को क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा प्लस 1, tan थीटा को sin थीटा अपॉन में cos थीटा। अब देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर पार्ट में एलसीएम लीजिए, 1 प्लस cos थीटा बन जाएगा, 1 cos थीटा मल्टीप्लाई विद 1 cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा बन गया अपॉन में क्या cos थीटा अपॉन में क्या sin थीटा cos थीटा, 2 नंबर 4 नंबर कैंसिल, रिमेनिंग क्या रह गया 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा, दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा को क्या राइट कर सकते हैं cosec थीटा, cos अपॉन sin को क्या राइट कर सकते हैं tan थीटा, यही आपको प्रूव करना था, इजी है क्वेश्चन।
24th क्वेश्चन, साइन कोस में चेंज कर लेना पहले, उसके बाद आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। ए क्यूब माइनस बी क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। पहले साइन कोस में चेंज करना, साइन कोस में चेंज करने के बाद फिर आपको ये आइडेंटिटी लगानी है। क्वेश्चन नंबर 27 में दो फ्रैक्शन गिवन है, फ्रैक्शन गिवन है तो क्या ऑप्शन है आपके पास, एलसीएम का, क्योंकि साइन कोस में पहले से चेंज है। 26 नंबर क्वेश्चन इजी है, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना। एलसीएम से पहले आपको कोट को सिर्फ 10 में चेंज करना है, सिर्फ कोट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कोस ए अपॉन में 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए। इस क्वेश्चन को आप साइन कोस में चेंज करके भी कर सकते हो, या इस कोट को 10 में चेंज करके डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, वैसे भी एलसीएम ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा आप कर सकते हो। दोनों मेथड से ट्राई करो, मैं कर रहा हूँ 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए, सिर्फ कोट को 10 में चेंज करके 1 अपॉन टेन ए, देन कोस ए 1 माइनस टेन ए प्लस साइन ए। एलसीएम लेना पड़ेगा, डिफरेंट डिनोमिनेटर बन गए, 10 ए इंटू 1 टेन ए माइनस 1 अपॉन वाला 10 ए कहाँ भेज दिया मैंने, ऊपर भेज दिया, देन 1 माइनस टेन ए, टेन ए माइनस 1। अगर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी 1 माइनस टेन ए बन जाएगा, तो मैं इसी स्टेप में नहीं कर रहा, आगे लिख लेते हैं। कोस ए 1 माइनस टेन ए, माइनस कॉमन ले लिया, साइन ए टेन ए 1 माइनस टेन ए। अब क्या करें, डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्ट एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1 माइनस टेन ए सेम डिनोमिनेटर है, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। कोस ए माइनस साइन ए, टेन ए भी है, टेन ए को क्या लिख रहे हैं, टेन ही लिख रहे हैं। अब देखो कोस ए माइनस साइन ए, टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए, अपॉन में क्या है 1 माइनस, टेन ए को क्या लिखेंगे, साइन ए अपॉन कोस ए। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लोगे, ये तो साइन स्क्वायर ए बन गया, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर बनेगा, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक सेकेंड, अपॉन में ये वाला कोस ए, अपॉन में कोस ए इंटू वन, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन में कोस ए। टू नंबर फोर नंबर कैंसिल, अब कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन में कोस ए माइनस साइन ए, कैंसिल क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये बच जाएगा कोस ए प्लस साइन ए। राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना आपको, साइन ए प्लस कोस ए, एक ही बात है, कोस ए प्लस साइन ए, साइन ए प्लस कोस ए। 27 नंबर क्वेश्चन, साइन कोस में चेंज कर लेना, कोसेक गिवन है वहाँ पे 1 अपॉन साइन राइट कर लेना, सेक गिवन है वहाँ पे 1 अपॉन कोस राइट कर लेना, फिर एलसीएम अगर लेके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। दोनों साइड सॉल्व करनी है आपको, लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। 28th क्वेश्चन, साइन कोस में चेंज करके एलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, पहले साइन कोस में चेंज करना है फिर एलजेब्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। 29th क्वेश्चन सबसे ईजी क्वेश्चन है, 29th नंबर क्वेश्चन आपको गिवन है, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, मीन्स पी की वैल्यू क्या है,
sec थीटा प्लस टेन थीटा। प्रूव करना है पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन में पी स्क्वायर प्लस वन जो है आपके पास साइन थीटा, तो इसे आपको प्रूव करना है, इसे चूज कर लो। पी की वैल्यू क्या है, sec थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे पुट कर दो। sec थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस वन, sec थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस वन, होल स्क्वायर अपन वन करना, sec स्क्वायर माइनस वन टेन स्क्वायर बनेगा, टेन स्क्वायर प्लस वन sec स्क्वायर बनेगा, उसके बाद कॉमन आएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना। 30 क्वेश्चन भी जो आपको प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करना, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करना। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है सो यू कैन कंसल्ट विद मी एनी टाइम। सो ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 है जो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग 7.2 स्टार्ट करेंगे, उसका बेसिक, उसके कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 7.1 आपकी कंप्लीट है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है काफ़ी, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। सो आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कोई डाउट आए तो आप डिस्कस कर लेना। थैंक यू सो मच।